हेलो एवरीवन, हमने एक वीडियो बनाई थी इंडियन मॉनसून के ऊपर। तो कुछ कॉन्सेप्ट से जो रह गए थे, जैसे कि एल नीनो, लानीना, एनसो और आईओडी। एनसो होता है एल नीनो, लानीना सदर्न ऑसिलेशंस, और आईओडी होता है इंडियन ओशन डाइपोल। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम कवर अप करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल नीनो, लानीना, एनसो, आईओडी होते क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनके मैकेनिज्म, लॉजिक और थियोरीज क्या क्या हैं। फिर बाद में हम देखेंगे कि ये इंडियन मानसून और इंडियन इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। All right, let's begin. सबसे पहले आता है एल नीनो। अब एल नीनो वर्ड का मतलब होता है ब्लेस्ड चाइल्ड, इसको क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं। अब ये नोटिस किया पेरुविन और इक्वेडोर के फिशरमैन ने कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है पेरुविन कोस्ट पे, वो थोड़ा बढ़ जाता है क्रिसमस के टाइम पे, इसलिए इसका ये नाम रख दिया गया। अब ये काफ़ी अनसर्टेन इवेंट है जो कि 2 से 7 साल के बीच में होता है, इसका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च भी नहीं हुई है, इसलिए क्लियरली ये नहीं कह सकते कि ये क्यों हो रहा है। पर हमें कुछ इवेंट्स पता हैं जिसकी वजह से एल नीनो होता है। अब इन इवेंट्स को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। हमने इंडियन मॉनसून वाली वीडियो में देखा था कि कैसे मेडागास्कर के आसपास हाई प्रेशर बनता है, नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर बनता है और उनके बीच में जो विंड्स ब्लो करते हैं उससे मॉइस्चर उठाते हुए इंडियन मॉनसून का पूरा प्रोसेस होता है। अब नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम पेरुवियन कोस्ट पे जाकर देखें तो पेरुवियन कोस्ट पे अपवेलिंग जोन्स बनते हैं। अब ये अपवेलिंग जोन्स क्यों बनते हैं, तो थोड़ा सा रिकैप होकर देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर ट्रेड विंड्स जो ब्लो कर रहे हैं इक्वेटर के आसपास, ये ट्रेड विंड्स पेरुवियन कोस्ट पे वार्म वाटर को डिस्प्लेस करके ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर पे ले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे ले जाते हैं और यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है। अब वार्म वाटर इकट्ठा होता है तो इससे क्या होता है कि मॉइस्चर जो है गर्म होने की वजह से धीरे धीरे राइज करता है और यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट है नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर बारिश होती है, और जो पेरुवियन कोस्ट है यहाँ पर कोल्ड वाटर डिस्प्लेस करता है वार्म वाटर को। तो बेसिकली अगर हम इसको और अच्छे से देखने की कोशिश करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये पेरू है और ये है पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। अब जो ट्रेड विंड्स ब्लो कर रही हैं ऐसे, ये वार्म वाटर को डिस्प्लेस करके यहाँ ले जाएंगी और जो ये वॉइड क्रिएट हुआ इसको नीचे का जो ठंडा पानी है ये कवर अप करेगा, तो ये अपवेलिंग जोन बन गया। जो कोल्ड वाटर है ये ऊपर आके डिस्प्लेस कर रहा है वार्म वाटर को। अब कोल्ड वाटर जब भी अपवेलिंग जोन बनाता है तो उसकी खासियत ये होती है कि ये जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको ऊपर ले आता है और फ्रेश न्यूट्रिएंट्स के पीछे पीछे फिश आती हैं और फिश के पीछे पीछे फिशिंग इंडस्ट्री, फिशरमैन आते हैं। तो पेरुवियन कोस्ट पे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत फेमस है, यहाँ पे फिश के भरोसे इंडस्ट्री बहुत अच्छे से चल रही है। ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन, लेकिन जब एल नीनो का टाइम आता है एल नीनो में सब कुछ डिसरप्ट हो जाता है। अब एल नीनो में होता क्या है कि जो पेरुवियन कोस्ट पे पेरुवियन करंट है ये डिस्प्लेस हो जाता है वार्म करंट से। अब ये जो वार्म करंट है इसका इम्पैक्ट इस तरीके से होता है कि यहाँ पर ट्रेड विंड्स हैं ये वीकन हो रहे हैं। ट्रेड विंड्स के वीकन होने की वजह से जो यहाँ पर गर्म पानी था ये वापस डिस्प्लेस होता हुआ पेरुवियन कोस्ट की तरफ आ गया। तो अब पेरुवियन कोस्ट पे वार्म वाटर है। अभी सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पेरुवियन कोस्ट पे जो अपवेलिंग जोन बना था अब ये डाउनवेलिंग जोन बनेगा और वार्म वाटर होने की वजह से जो फिश थी, जो यहाँ पे फिश थी, ये वापस किसी और जगह जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे अपवेलिंग जोन बन रहा हो, जहाँ पे कोल्ड करंट हो। अब इस वजह से यहाँ की जो फिशिंग इंडस्ट्री इनको बहुत नुकसान होता है और क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो गया है सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो ये मॉइस्चर वापस राइज करेगा। अब की बार क्लाउड यहाँ बनेंगे एल नीनो के टाइम पे और पेरुवियन कोस्ट के ऊपर बारिश होगी। ये बारिश होने की वजह से पेरू में बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आते हैं एल नीनो के टाइम पे और बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटी, डेथ के इंस्टेंसेस बनते हैं। ये इशू सिर्फ पेरू के लिए नहीं है, ये पूरी जो कोस्ट बनी है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को ये प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर बहुत कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स, टॉर्नेडोज, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद इंडिया का इम्पैक्ट क्या होता है, अब ये पूरे रीजन पे लो प्रेशर बन गया। अब ये लो प्रेशर बनने की वजह से जो यहाँ पर हाई प्रेशर था मेडागास्कर के पास में, ये हाई प्रेशर के पास दो लो प्रेशर हो गए हैं जहाँ पे ये मॉइस्चर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर और दूसरा इंडिया की तरफ। अब इंडिया का जो लो प्रेशर है ये वीकन हो जाता है एज कंपेयर्ड टू द पैसिफिक ओशन लो प्रेशर। इसकी वजह से यहाँ पर जो लो प्रेशर बनने से मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा पहुँचेगा, विंड्स बहुत ज़्यादा पहुँचेंगे और इधर बहुत कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आएंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में ड्रॉट की कंडीशन बन जाएगी क्योंकि जितना मानसून आना चाहिए था उससे कम आएगा, तो इंडिया में ड्रॉट्स दिखेंगे।
और ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पहले बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही थी वो डिस्प्लेस होकर वापस साउथ अमेरिका पहुँच गया, तो यहाँ पे भी ड्रॉट्स दिख रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पे, पेरू की वेस्टर्न कोस्ट पे फ्लड्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस ऑपोजिट केस बन गया है। तो ये है एल नीनो। अब बात आती है लानीना की। लानीना क्या है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ एल नीनो। अब एल नीनो को ऑपोजिट कैसे है ये देखते हैं। अब एल नीनो में हमने देखा था कि यहाँ पर कैसे सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे पेरुवियन कोस्ट पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अब वेलिंग जोन खत्म हो जाते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कैसे ड्रॉट आते हैं। अब ये एल नीनो वीकन जब होता है और ये जो पूरी साइकिल है ये रिवर्स होती है, उस केस में यहाँ पर जब वापस अपवेलिंग जोन बनते हैं, ये अपवेलिंग जोन जब स्ट्रेंथन होते हैं और ट्रेड विंड्स जब स्ट्रेंथन होते हैं, इस प्रोसेस को लानीना कहते हैं। अब लानीना जब आएगा तब वापस यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा होगा, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा, वापस यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी, बारिश होगी, यहाँ पर इंडिया का मॉनसून फिर से स्ट्रेंथन हो जाएगा, यहाँ पे बारिश होगी। इस पूरे प्रोसेस को लानीना कहते हैं। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ एल नीनो, इट इज़ द री स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ओरिजिनल कंडीशन। अब बारी आती है एनसो की। एनसो होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एल नीनो लानीना के प्रोसेस को इकट्ठा करके एनसो बोल दिया गया है। तो एनसो के बाद हमें एक चीज पता होनी चाहिए, वॉकर साइकिल। अब वॉकर साइकिल क्या होती है? हमने देखा था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया और पेरुवियन कोस्ट के बीच में वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, वॉर्म्स वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, और इस एयर को अपनी साइकिल कंप्लीट करने के लिए पेरुवियन कोस्ट पे सबसाइड करना पड़ रहा है। तो ये जो साइकिल बनी है इसको हम बोलते हैं वॉकर साइकिल। अब ये वॉकर साइकिल क्यों बोलते हैं कोई पूछे तो, क्योंकि ये गिलबर्ट वॉकर के नाम पे रखा गया है जिन्होंने एल नीनो की पहली थ्योरी दी थी, गिलबर्ट वॉकर। तो ये है वॉकर साइकिल, ये है एनसो। अब जरा देखते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, देखने में काफ़ी टफ लगता है लेकिन बहुत इजी है। इंडियन ओशन डाइपोल में बात हो रही है दो रीजन्स की। सबसे पहला वाला है अरेबियन सी का ये वाला पोर्शन, और दूसरा है इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट ये वाला पोर्शन। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनके सी सरफेस टेम्परेचर को हम कंपेयर करते हैं। अगर ये वाला पोर्शन वार्म है कंपेयर टू दिस पोर्शन और ये कूलर है कंपेयर टू दी अदर पोर्शन, तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो इंडियन ओशियन डाइपोल है ये पॉजिटिव है, और इसके पॉजिटिव होने से हमें बेनिफिट ये होता है कि इंडिया में बहुत अच्छा मानसून आता है, बहुत अच्छी बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत अच्छा होता है। अगर इसके ऑपोजिट कंडीशन बन जाए कि ये कोल्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस वन जो कि वार्म हो जाए, तो इस केस में हम बोलेंगे कि इंडियन ओशियन डाइपोल जो है ये नेगेटिव है, इस केस में ड्रॉट लाइक सिचुएशन बनेगी, बारिश जो है वो इस एरिया में ज़्यादा होगी। तो ये है इंडियन ओशियन डाइपोल, और ये पूरा प्रोसेस था एल नीनो लानीना एनसो और इंडियन ओशियन डाइपोल का। अब जरा देखते हैं कि एल नीनो के इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे। हमने देखा था कि फ्लड्स आते हैं पेरुवियन कोस्ट पे, ड्रॉट्स आते हैं इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, कोरल ब्लीचिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें पता है कि कोरल्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए सी सरफेस टेम्परेचर अपने आप को मेंटेन करने के लिए। अभी सी सरफेस टेम्परेचर जब फ्लक्चुएट होता है तो कोरल ब्लीचिंग की प्रॉब्लम आती है। पुअर एग्रीकल्चर एक प्रॉब्लम है ड्रॉट्स की वजह से, और पुअर एग्रीकल्चर की वजह से फूड इन्फ्लेशन आता है, एमएसपी इशू बढ़ जाता है क्योंकि एमएसपी प्रोवाइड करना होता है गवर्नमेंट को, अब उसकी प्राइस बढ़ेंगे तो बजट डेफिसिट की तरफ चले जाते हैं, रेवेन्यू के कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है गवर्नमेंट का। जो पॉवर्टी का इशू है, स्पेशली बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं इन ये पॉवर्टी में और ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाते हैं क्योंकि इनका जो मेजर लाइवलीहुड है ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज और इनफैक्ट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे ही जो फिशिंग इंडस्ट्री का है जैसे पेरुवियन कोस्ट पे, इनका लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इससे जीडीपी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इंडिया की जीडीपी पे भी जो एल नीनो ईयर होता है उस पे जीडीपी पे काफ़ी स्ट्रांग इम्पैक्ट आता है। तो ये इम्पैक्ट्स हैं मेजरली एक छोटे से एल नीनो से, जो कि हम एक छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका जो पूरा प्रोसेस है और जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए जाएं सिविल कोर्सिफाई एंड्रॉइड ऐप पे। हम इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करें। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।